गुजर में बोझ लिखने में क्या समस्या है? देख लीजिए सोच समझ के, क्योंकि समाज तो पूरा खिलाफ। गुजर और राजपूत दोनों सगे भाई थे, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा कि कोई सदियों पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, मात्र 4-5 पीढ़ी पहले जो है वो गुजर भी राजपूत, मतलब राजपूत भाई था, सगा भाई था उनका। गुजर अब लिखना शुरू कर दिया, हम राजपूत लिख रहे हैं, तो इसमें दोनों के बीच में फर्क कहाँ से आ जाता है? ये कैसे कह रहे हैं कि गुजर अलग होता है और क्षत्रिय अलग होता है? राजपूत समाज के तो कह रहे हैं कि गुजर हमारा, ये अकल ही नहीं है ऐसे राजपूत समाज वालों को, अकल ही नहीं है, बेअकले लोग हैं, इन्हें अकल ही नहीं, यही नहीं पता कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या मामला है, क्या नहीं है। अरे कम से कम जाकर के सही स्थिति जांच तो लो। समाज लगातार विरोध कर रहा है उस, अरे बावले हो रहे बावले ना, मतलब कोई राजस्थान का, कोई वहां का, कोई वहां का, उसे पता क्या कि असलियत क्या है? और जाकर मैं तो ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं तो अभी की बात कर रहा, ये मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा भाई, 2-4 पीढ़ी पहले की बात है। वहां पे जाओ तुम लोग सारे के सारे, चले जाओ वहां। गुजर सम्राट लिखना गलत है, तो मैं ये मानता हूँ, ये किसी एक बिरादरी को आप डिफेम करके और इस तरीके से नहीं, वो भी एक मार्शल कॉम है गुजर, कोई बाहर के लोग तो लग लेते हैं, सबको पुतले फूंक देंगे। अग्नि विजय जी आपके समाज पूरा, मैं सच बोल रहा हूँ, और सच बोलने पर अगर पुतला फूकना इसका अंजाम है तो मैं उस अंजाम से डरता नहीं हूँ बिल्कुल। समाज विरोध में, राजपूत समाज भोला समाज है, हमारा समाज भोला समाज है। इनको कुछ चुनिंदा लोग जो हैं वो गलत गाइड करके, पिताजी के नाना, उनके जो फोर फादर्स थे वो दो भाई थे, एक गुज्जर और एक राजपूत, अलग नहीं है। हरियाणा से लेकर यूपी तक एक सम्राट मिहिर भोज का लगातार मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसमें राजपूत समाज द्वारा कहा जा रहा है मिहिर भोज हमारे हैं, और जो गुज्जर समाज द्वारा कहा जा रहा है मिहिर भोज हमारे हैं। हम आज खजूरी गांव की चौपाल में पहुंचे हैं, और राजपूत समाज से यहां पर लोग यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका स्टैंड रहता है इस पूरे मामले को लेकर, जो लगातार विवाद चल रहा है दो समाज को लेकर, गुज्जर समाज और राजपूत समाज में क्या कुछ पूरी बातचीत है। हुक्का यहाँ पर फिलहाल चल रहा है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देवेंद्र चौहान जी हमारे बीच में है, सर किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? राजपूत समाज लगातार कह रहा है कि मिहिर भोज हमारे हैं, और गुज्जर समाज कह रहा है मिहिर भोज हमारे हैं, क्या कुछ रखेंगे इस पर अपना पूरा स्टैंड? देखिए जहाँ तक ताल्लुक मिहिर भोज का है, तो सम्राट मिहिर भोज सबके हैं, चाहे वो गुज्जर समाज हो, चाहे वो राजपूत समाज हो, सब समाज के जो है मिहिर भोज जी हैं। लेकिन यहाँ पे जो विवाद चल रहा है वो विवाद ही बिल्कुल अलग है। कुछ लोगों का कहना ये है कि गुज्जर लोग ये नहीं लिख सकते कि गुज्जर मिहिर भोज, हमारे समस्त जो राजपूत समाज है उसका सबसे जो बड़ा विरोध है वो एक ही बात को लेकर के है। वो ये कह रहे हैं, कह लेंगे मिहिर भोज जो है वो क्षत्रिय थे, राजपूत समाज से आते थे, ना कि गुज्जर समाज से, यही विरोध है। अब सवाल इस बात का ये आता है कि या तो मेरे अंदर बुद्धि कम है, और या फिर जो लोग इस पूरे प्रकरण को एक अलग तरीके से तूल दे रहे हैं, या उन लोगों के दिमाग में बात नहीं आ रही है। मतलब कि आपका कहने का मतलब है गुज्जर मिहिर भोज लिखने में कोई समस्या नहीं है? गुज्जर मिहिर भोज लिखने में क्या समस्या है? देख लीजिए सोच समझ के, क्योंकि समाज तो पूरा खिलाफ चल रहा है इससे। अरे भाई एक बात बताओ मुझे आप, ये लोग जो है कांग्रेस का एजेंडा है, ये कांग्रेस इस चीज़ को भुनाना चाहती है। सीधी सीधी बात ये है कि इन्हें और किसी से कोई विरोध नहीं है, कोई बैर नहीं है इन्हें, इन्हें जो है इन्हें इस चीज़ से विरोध हो रहा है कि भाई ये गुज्जर क्यों लिख दिया। अब गुज्जर कहाँ से आते हैं? गुज्जर बेसिकली क्षत्रिय हैं, गुज्जर भी, और अगर इस बात में कोई शक हो, कोई शुभा हो, या मैं इस बात को किसी अलग तरीके से बोल रहा हूँ, तो आप इसका जीता जागता उदाहरण मेरी ननियाल है, मैं कहने को जो राजपूत है ना, मैं क्षत्रिय समाज चौहान हूँ, और क्षत्रिय समाज का ही सो कॉल्ड क्षत्रिय समाज का ही मैं हिस्सा हूँ जी। लेकिन जो बात है ये बिल्कुल गलत है, गुज्जर भी क्षत्रिय हैं, और मैं इस चीज़ को सिद्ध कर सकता हूँ। कैसे कैसे करेंगे सिद्ध? ऐसा है, मेरी ननियाल है अहियापुर में, ये भाई बैठे हैं, इनके छोटे भाई जो वो अहियापुर में ही, उनकी जो है शादी हुई है मेरी ननियाल से ही, तो वहाँ पर हमारे बराबर में ही एक गांव लगता है मनोहरा गुजरों का गांव है, और जो अहियापुर है वो राजपूतों का गांव है। अब आप जा करके वहाँ पे पता करो, अहियापुर और मनोहरे में, मनोहरे वाले गुज्जर कहलाते हैं और अहियापुर वाले राजपूत कहलाते हैं। गुज्जर और राजपूत दोनों सगे भाई थे, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा कि कोई सदियों पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, मात्र 4-5 पीढ़ी पहले जो है वो गुज्जर भी राजपूत, मतलब राजपूत भाई था, सगा भाई था उनका,
जो गुजर के अंदर कन्वर्ट हुआ, अब उनकी जो औलाद है वो एक ने गुजर अब लिखना शुरू कर दिया, हम राजपूत लिख रहे हैं, तो इसमें दोनों के बीच में फर्क कहाँ से आ जाता है? ये कैसे कह रहे हैं कि गुजर अलग होता है और क्षत्रिय अलग होता है? राजपूत समाज के तो कह रहे हैं कि गुजर हमारा, ये अकल ही नहीं है, ऐसे राजपूत समाज वालों को अकल ही नहीं है, बेअकले लोग हैं, इन्हें अकल ही नहीं, इन्हें यही नहीं पता कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या मामला है, क्या नहीं है। अरे कम से कम जाकर के सही स्थिति जांच तो लो। मैं तो यार जीता जागता उदाहरण बैठा, मुझे बीजेपी से और मुझे इससे कि भाई बीजेपी को सपोर्ट करना, फलानी को सपोर्ट करना, डिगड़ी को सपोर्ट करना, मैं तो बता रहा हूँ कि गुज्जर भी क्षत्रिय समाज का हिस्सा हैं, क्षत्रिय ही हैं वो। अगर कोई उन्हें क्षत्रिय नहीं मानता तो वे दोगले हैं। चौहान साहब विरोध हो जाएगा कल इस, मैं कह रहा हूँ कि विरोध नहीं, विरोध का बाप हो जाओ और जितना विरोध करना करो मेरा, और अगर सच मेरी बात हो तो उसे मान लो सच। और जो ये बकवास कर रहे हैं यहाँ पे सारे हिंदुस्तान में आग लगा रखी इन लोगों ने, या फिर वो उनका एजेंडा कुछ और है, सच सच रहेगा, सच नहीं बदल सकता। तो कभी लोग कहें आपके बेटे अग्नि विजय चेयरमैन है बीजेपी से, इस वजह से ना बोल रहे हो? भाई एक बात सुन लो, अग्नि विजय चेयरमैन बना, अग्नि विजय का उस टाइम तक बीजेपी से कोई रिश्ता नाता नहीं था, जिस टाइम पर इसे ये उसका चुनाव लड़ा, क्या नाम आपका पार्षद का चुनाव लड़ा, उस टाइम पे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था हमारा, जिस टाइम पे ये वाइस चेयरमैन बना उस टाइम पे कोई लेना देना नहीं था बीजेपी का, वो हम सब जो लोग अपने बलबूते पे बने हम, और इसमें कहो कि भाई किसी का और साथ था, हमारा समाज दलित समाज ने दिया, सर्व समाज ने हमारा साथ दिया, उसकी वजह से हम लोग पार्षद हुए, ठीक है। तो हमारा मतलब ऐसा तो कोई वो नहीं है कि भाई हम बीजेपी के लिए वो कर रहे हैं। हाँ ये बात जरूर है कि कुछ दिन पहले ये बीजेपी में शामिल हुआ था, इससे इनकार नहीं करते, लेकिन बीजेपी का पद थोड़ी है, ये तो सरकारी पद है, ये बीजेपी का पद नहीं है कि बीजेपी का कोई पदाधिकारी है हम या बीजेपी का कोई वो है, लेकिन जो सच्चाई है सच यही है। मतलब कि आपका कहने का मतलब है जो गुजर मिहिर भोज है वो बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। और अगर किसी को इस बात में कोई आपत्ति हो ना तो मनोहरा में चले जाएं और अय्यापुर में चले जाएं, और ये दोनों तय कर दें बैठ करके, इनकी क्योंकि सारों की रिश्तेदारी है वहाँ, ये बैठ करके ये तय करें कि गुज्जर इन्हीं में से हैं या नहीं है, पहले तो इस बात का होना चाहिए ना। या तो ये उन्हें अय्यापुर वालों को राजपूत मानने से इनकार कर दें, यार इनके सगे भाई का मामला वहाँ पे, सगे भाई हैं, दोनों सगे भाई हैं, जाकर के पता कर लो कि गुज्जर और राजपूत सगे भाई थे या नहीं है। अगर मेरी बात गलत हो तो मेरी बात को नकार दियो आप, तो गुज्जर मेरे बोझ लिखे तो इनके पेट में दर्द क्या हो रहा, पेट में दर्द किस बात का है? इस बात का कहने का मतलब ये राजनीति हो रही है बस, बिना बात की लेना एक ना देना दो। भाई गुज्जर लिख दे, बड़ी अच्छी बात है, गुज्जर लिख दो, तुम अपने यहाँ पे क्षत्रिय लिख दो, कौन मना कर रहा तुम्हें? भाई जमीन लो अपनी लिख दो, कि गुज्जर क्यों लिख दिया? भाई यार जब गुज्जर तुम्हारे भाई हैं, सगे भाई हैं, मैं बता रहा दो सगे भाई हैं, सगे भाई, और अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए ना तो सारा राजपूत समाज मेरा हुक्का पानी बंद कर दो। तो चौहान साहब जो ये पूरा राजपूत समाज लगातार विरोध कर रहे हैं उसमें क्या बावले हो रहे हैं? बावले ना मतलब कोई राजस्थान का, कोई वहाँ का, कोई वहाँ का, उसे पता क्या कि असलियत क्या है? और जाकर मैं तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं तो अभी की बात कर रहा, ये मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा भाई, दो चार पीढ़ी पहले की बात है। वहाँ पे जाओ तुम लोग सारे के सारे चले जाओ वहाँ, अगर मेरी बात गलत निकले, अगर मेरी बात गलत साबित कर देना ये, तो 10 जूत और हुक्के का पानी मेरा, और नहीं तो इनका कर दो इलाज। तो ये चौहान साहब थे, इन्होंने एक ही बात कही, गुज्जर मिहिर भोज लिखने में कोई भी किसी को समस्या नहीं है। यार चौहान साहब ने स्टैंड क्लियर किया, वाइस चेयरमैन बैठे हैं जिला परिषद के उपाध्यक्ष अग्नि विजय जी क्या स्टैंड क्लियर करेंगे, क्योंकि लोग देख रहे हैं आप भी राजपूत समाज से आते हैं, क्या गुज्जर मिहिर भोज लिखने में कोई समस्या होनी चाहिए? जितनी मेरी समझ है, मेरी समझ के हिसाब से जो मुझे आज तक पता चला और जो मैं आगे अपने बच्चों को भी कन्वे करूँगा, वो यही करूँगा जो मुझे हिस्ट्री मेरी पता है। हम ज़्यादा दूर क्यों जाएँ, जिस तरह बताया कि हमारे बड़े थे, मेरे पिताजी के नाना, उनके जो फोर फादर्स थे वो दो भाई थे, एक गुज्जर और एक राजपूत, अलग नहीं हैं, एक ही हैं। और रही बात मिहिर भोज की प्रतिमा की कि उनको गुज्जर सम्राट लिखा जाए, ये आप उनके ऊपर छोड़ दो, जिसकी जहाँ जिसका जो मन करता, कोई वो मना कर रहे हैं कि अपनी ज़मीन में कोई लगाओ, अपना क्षत्रिय सम्राट लिखो, कोई यहाँ पे उस चीज़ के लिए मना ही तो नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये कहो आप कि गुज्जर सम्राट लिखना गलत है, तो मैं ये मानता हूँ ये किसी एक बिरादरी को आप डिफेम करके और इस तरीके से नहीं, वो भी एक मार्शल कॉम है, गुज्जर कोई बाहर के लोग नहीं है, मार्शल कॉम है, हम ही में से। हम लोगों को इस तरीके की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो सांझे हैं,
तो वो कौन लोग है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कौन लोग है अग्निविजय जी, किस तरीके से देखते हैं पूरा समाज राजपूत समाज विरोध में? राजपूत समाज भोला समाज है, हमारा समाज भोला समाज है। इनको कुछ चुनिंदा लोग जो हैं वो गलत गाइड करके समाज हमारा लग जाता है। कोई भी हो भाई, जिस तरह भाईचारे में अपना एक ने बुलाया तो 10 आ जाते हैं, तो भाईचारे में वो समाज एक दूसरे का साथ देता ही देता है, चाहे कोई गलत हो या सही हो। इतनी ज़्यादा साइंस में कोई नहीं घुसता इसमें, वो तो लग लेते हैं। सबको पुतले फूंक देंगे यानी अग्निविजय जी आपके समाज पूरा? मैं सच बोल रहा हूँ, और सच बोलने पर अगर पुतला फूंकना इसका अंजाम है तो मैं उस अंजाम से डरता नहीं हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। और रही बात, आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आज उत्तर प्रदेश में चले जाइए, हमें सब क्षत्रियों को एक चीज़ सोचनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया एक क्षत्रिय है, देश का डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री एक क्षत्रिय है, भाजपा आपका अपने ही प्रदेश का देख लीजिए, प्रदेश का युवा मोर्चा का अध्यक्ष वो राजपूत है, आप अपने जिले ही में देख लीजिए, एक राजपूत लड़का जिसका पुराना कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, आज वो उपाध्यक्ष जिला परिषद है, छोटा मोटा पद नहीं, बहुत सम्मान दिया है बीजेपी ने। और बीजेपी का विरोध करना और कहना तो ये समाज की मेरे ख्याल से भूल होगी, बीजेपी ने बहुत बहुत अच्छी तरीके से राजपूतों को ऊपर उठाने का काम किया है। तो लगातार समाज विरोध कर रहा है, पोस्टर वायरल हो रहे हैं कि बीजेपी को वोट ही नहीं देना राजपूत समाज ने आपकी बार। देखिए अभी मैं कह रहा हूँ कि हम जो हमारा समाज है वो भावनाओं में बह चुका है, मैंने जैसे अभी आपको बोला भोला समाज है, कुछ भावनाओं में बह चुका है, ये आगे आप देखिएगा जैसे जैसे ये टाइम गुजरेगा और हमारे लोगों को असलियत का परिचय पता चलेगा कि आगे कांग्रेस का ये जो बनाया हुआ एजेंडा है इसके ये इनके हाथों में खेला जा रहा है, तो हमारे समाज समझेगा इस बात को और पूर्ण तरीके से बीजेपी का समर्थन करेगा। ग्राउंड पे आप देखिएगा जिस तरीके से विरोध कह रहे हैं कि यहाँ विरोध है, आप खजूरी गांव में बैठे हैं, मेरे 10 चक्कर नागल के लगते हैं, 10 चक्कर उनेड़ी के लगते हैं, सारे राजपूतों के गाँव हैं, करो विरोध, करो अपनों का, मेरे विरोध करेंगे, मेरे पुतले फूकेंगे, मेरे ऊपर हमला करेंगे, मेरे समाज के लिए, अगर वो मुझे शहीद भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, समाज के लिए सही शहीद हो जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इस चीज़ इन चीज़ों से छोटी मोटी मतलब है, जो सच है वो सच रहेगा, जो सच है वो सच रहेगा। और रही बात गुजर सम्राट या फिर क्षत्रिय सम्राट की, मिहिर बोध सांझे हैं और मैं मानता हूँ कि उन इसके ऊपर राजनीति लोगों को नहीं करनी चाहिए, ये मेरा स्टैंड है। तो ये थे जिला परिषद के उपाध्यक्ष जिन्होंने सीधी सीधी एक बात कही और कई मौजूद यहाँ पर लोग थे और यही एक बात हुई कि लगातार राजनीतिक साजिश है, जो सच है वो सच है, इस तरीके की फ़िलहाल अपनी राय रखते हुए यहाँ चौपाल में खजूरी हम पहुँचे थे, जो लगातार एक ही बात कह रहे हैं, गुजर और राजपूत में कुछ भी अलग नहीं है, दोनों भाई भाई हैं और गुजर मिहिर भोज लिखने में किसी को कोई समस्या फ़िलहाल नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। अग्निविजय जी प्रमाण कैसे देंगे लोगों को कि गुजर और राजपूत भाई भाई हैं, क्या क्या बताना चाहेंगे? मैं अभी आपके सामने प्रमाण देता हूं, अभी मैं अपनी दादी को कॉल लगाने जा रहा हूं और आप ये सुनिएगा वो क्या कहते हैं। जी ठीक है, तो एक बार कॉल लगा रहे हैं, ये अपने दादी जी को कॉल लगा रहे हैं, एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी इनका, दादी जी का? शन्नू देवी। तो लगाइए एक बार, क्या ये देंगे प्रमाण इस चीज़ का? जी इन्हीं के जो मैं बात बता रहा था वो इन्हीं के परिवार में से है और यही बता देंगे आपको, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाएंगे। हाँ जी, एक बात बताओ, जो आपके फादर थे, जो मतलब पिताजी थे आपके, उनके जो पड़बाबा थे वे एक गुज्जर और एक क्षत्रिय, मतलब एक गुज्जर हो गए थे और एक राजपूत ही रहते, ऐसा था? दोनों सगे भाई थे। हाँ, और हमारे पिताजी के दादा परदादा थे। अच्छा, और एक ने तो गोदरी के साथ शादी करवा लिया, रख दी उसने। अच्छा, एक को तो उसे अलग कर दिया था, उसका गांव मनोरा बसा हुआ है। अच्छा, तो दोनों एक ही थे, अब एक गुज्जर हो गए हैं और एक राजपूत है। एक राजपूत, अब भी उनके पास आना जाना वैसे ही जिस तरह रिश्तेदारों के पास होता है, पूरा ब्याह शादियों में आते जाते, दुख सुख पर आते जाते। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, तो ये कहाँ से बात कर रहे थे, कहाँ से बात कर रहे थे? गांव में ही है जी। तो मतलब कि एक ही जगह है, एक राजपूत और एक गुज्जर, एक सगे भाई दोनों। तो अब ये तो समाज बिलीव नहीं करेगा, वो कहेगा ये तो प्रोपोगंडा है। ये तो अब एक काम करिएगा आप, ग्राउंड रियलिटी पे जाओ, गांव में जाओ, मैं आपको गांव का नाम बता रहा हूँ मनोरा, आप एक बार गांव में जाओ
और देखिएगा वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी का सामना करो जाके, तब आपको यहाँ की ये जो आग है ये शांत होगी थोड़ी। तो ये अग्नि विजय जी थे हमारे बीच में, काफ़ी बड़ी बात कर दी। दो सगे भाई थे काफ़ी पुराने समय में, और एक राजपूत और एक गुज्जर, पर लेकिन वो अलग अलग हो गए, कारण भी बताया। पर लेकिन इनका कहना है कि मनोरा गांव के अंदर जो यूपी के अंदर है, वहां जाकर देख लीजिए कि वहां पर किस तरीके से पूरी कहानी का जो है पूरी बातचीत है उसका पता लग जाएगा। और लगातार यहां पर एक ही स्टैंड यहां पर फ़िलहाल रखा गया कि राजपूत और गुज्जर भाई भाई हैं, और मिहिर भोज गुज्जर मिहिर भोज लिखने में फ़िलहाल ये राजपूत जो यहाँ पर बैठे हैं खजूरी गांव में, इन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या फिलहाल यहाँ पर नहीं है। तो फिलहाल अब मोहित को दीजिए इजाज़त। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे इस समय गांव खजूरी यमुनानगर से, जहाँ पर फिलहाल यहाँ खजूरी गांव के राजपूतों ने फिलहाल अपना स्टैंड क्लियर किया कि गुज्जर मिहिर भोज लिखने में फिलहाल किसी भी तरीके की समस्या नहीं है। धन्यवाद।